असलम जी मैं हूँ आपके साथ इरफान समोर नाजरीन हम बात करेंगे आज फिर सुमन शेख के हवाले से कि पी टी आई ने भी अब एक अपना नया हथियार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला कर लिया है और अजमा बुखारी हों या फिर अता तार हों इनको टक्कर देने के लिए क्या अब सुमन शेख को लॉन्च किया जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे इस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे नाजरीन आ, अभी तक जो है इस तरह की कोई मुसद का इतला नहीं आई लेकिन आसार यही बता रहे हैं हालात यही बता रहे हैं कि आज़मा बुखारी जिस तरह से हैं पी एम एल एन में और इस तरह से बहुत सी फीमेल्स पीपल्स पार्टी में भी हैं और पीटीआई ने पहले जो है आजमा बुखारी को पंजाब में उनका मुकाबला करने के लिए जहां पर लॉन्च किया था फिर दो साफ आवान को अब वो साइड पे हो चुकी हैं आया अब आ सुमन शेख जो है उनको लॉन्च किया जाएगा उनको आजमा बुखारी के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा उनको अता तारड़ के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा आ वो शहबाज गिल को रिप्लेस करेंगी वो कह लें कि फयाज़ुल हसन चौहान को रिप्लेस करेंगी या इनके पाए की हो सकती हैं या उस तरह से जिस तरह से फयाज़ुल हसन चौहान साहब हैं या फिर शहबाज़ गिल साहब हैं वो जिस तरह से पार्टी को डिफेंड करते हैं आया सुमन शेख भी उसी तरह से डिफेंड कर पाएंगी लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि देखना ये है कि आया सुमन शेख भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं या नहीं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया सारफी की ख्वाहिशात ही हैं तो नाजरीन अगर हालात को देखा जाए वाकियात को देखा जाए आज जो जो हो रही हैं उनको देखा जाए सुमन शेख के के पिछले कुछ एक साल के जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखा जाए जिस तरह से वो उन्होंने एक तराने के जरिए एंट्री मारी और खुद से एंट्री मारी उनका कहना है कि खुद से एंट्री मारी और उस एंट्री के बाद से जितने भी आप उनके इंटरव्यूज निकाल के देख लें उनको एक तो आ, वो जो है वो इस वक्त अपनी मकबूलीत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी है लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं उनको सुनना भी चाह रहे हैं वो जितने उनके इंटरव्यूज़ हैं आप निकाल के देख लें वो अपने प्रोफेशनल आ, करियर पर बात करती हमें कम ही नज़र आती हैं बल्कि ना होने के बराबर वो बात करती हैं उनका जो मौजू होता है इंटरव्यू के का वो सारा सियासत होता है और आप अगर उनको देखें तो वो अपने जलसों में जलसे कह रहा हूँ सॉरी अपने इंटरव्यूज़ में जो है वो मुखालफी पर हमले करती भी नज़र आती हैं बाकायदा एक जिस तरह से एक फाइटर होता है ना फाइटर की तरह वो हमले करती भी नजर आती हैं और बाकायदा अटैकिंग पोजिशन में नजर आती हैं तो इस बात से जो है आज उनके फैंस हैं वो ख्वाहिश भी रखते हैं कि आया ऐसी खातून जो निडर हो जो फाइटर हो जो पार्टी के लिए लड़ सके पार्टी को डिफेंड कर सके ऐसी खातून को जो है वो सियासत में आना चाहिए ताके पार्टी की पोजिशन मजीद मुस्तकम हो मजीद मजबूत हो अब देखना यह है कि ये जो सारे इस तरह से हैपनिंग्स हो रही है इसके पीछे प्लानिंग क्या है आया ये सब कुछ सुमन शेख खुद से कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है या फिर इसके पीछे जो पार्टी है उसकी बाकायदा पॉलिसी है और उनको इस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है और इस तरह से आया वो सियासत में आए सियासत को डिफ़ेंड करें पीटीआई को डिफ़ेंड करें और फिर एकदम उनको लॉन्च कर दिया जाए और अगर लॉन्च कर भी दिया जाता है तो मखसूस नशस्तें होती हैं पार्टी में ख़वान के लिए तो वो जो है बसानी उनको एमपीए या एम की या फिर मुशीर तो बना ही सकते हैं मुशीर का काम ही पार्टी को डिफेंड करना होता है शहबाज़ गिल साहब जिस तरह से लॉन्च हुए और बहुत से लोग लॉन्च होते हैं उस तरह से सुमन शेख भी आ सकती हैं और उम्मीद यह है कि उम्मीद यह है कि हालात ये बताते हैं लगता यह है सुमन शेख के प्रीवियस इंटरव्यूज को देखकर कि अगर वो आती हैं तो वो पार्टी के लिए सूदमंद साबित होंगी वो पार्टी को अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकती हैं उनकी मैंने एक वीडियो में देखा और जिस तरह से बल्कि मैंने ही सवाल उनसे किया मैंने कहा कि लोग जो आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करेंगी तो आपके जो फैंस हैं जो कि दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं या फिर पीटीआई को अच्छा नहीं समझते तो वो नाराज हो जाएंगे तो आपकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था उन्होंने कहा कि होते हैं तो हो जाए मैंने अपने मुल्क का सोचना है और जिस तरह से पीटीआई मुल्क का सोच रही है पीटीआई के विजन को लेकर मैंने आगे चलना है और अगर ये लोग नाराज होते हैं ना तो इनको फिर जो दो हजार रुपया वो मरियम औरंगजेब वाली बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो दो रुपया इनको वहां से मिल रहा है ना फिर उसी पर सारी जिंदगी गुलामी करें उसी पर जिंदगी गुजारें उनको इधर आने का की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फॉलो भी ना करें मेरे फैंस भी ना बने मुझे पसंद भी ना करें मुझे सुने भी ना वो इतनी जज्बाती थी और इतनी जो है वो कमिटेड थी अपनी पार्टी के साथ वैसे तो कहते हैं कि जनाब फनकार की कोई सरहद नहीं होती कोई हद नहीं होती कोई पार्टी नहीं होती न्यूट्रल होता है और वो सरहदों से जो है वो मुवरा होता है लेकिन ये मुकम्मल कमिटेड नज़र आती हैं यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि मैं पीटीआई के अलावा किसी पार्टी के लिए कभी कोई तराना नहीं गाऊंगी उन्होंने ये भी कहा कि उनको ऑफर्स भी हुई आ, उन्होंने बाकायदा तौर पर वाज तौर पर पीपल्स पार्टी का नाम लिया कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने उनके साथ कॉन्टेक्ट किया उन्हें कहा कि हमारे लिए जो है वो पूरा एल्बम करें लेकिन मैंने साफ जवाब दे दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी तमाम तर खिदमात अपनी पार्टी के लिए देना चाहती हूँ नाजरीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़